हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों आज हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ जो एक कुछ मॉडल सेट्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार आप देख लीजिए बिना टाइम को ख़राब किए, क्योंकि अब जो सिस्टम है, अब जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। हमको देना तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 50 ही है, लेकिन अब क्वेश्चंस की संख्या डबल हो गई है। अब 100 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस चूज़ करने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग 100 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में करते हैं, और आपको इससे बहुत मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बोर्ड से आने वाले हैं या फिर हो सकता है कि लड़ जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये जो पेपर है आप देख रहे हैं पूरी अच्छी तरह से, है ना, ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ से सेक्शन ए से शुरू करते हैं। ये जो आपका सेक्शन ए दिया हुआ है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक से लेकर 100 तक दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिंस टमोरो। कहता है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस चुनना है। तो आप देख रहे हैं इसमें पैसिव वॉइस कौन सा होने वाला है, है ना। द नर्स विल गिव हिम, तो ही से शुरू किया हुआ, तो ही वॉज, देखिए विल लगा हुआ है, तो ही विल बी गिवन मेडिसिन द मेडिसिंस टमोरो बाय द नर्स, या तो ही विल बी गिवन द मेडिसिंस बाय द नर्स टमोरो। बिल्कुल ये बी वाला सही है। ये जो बी वाला आपको दिख रहा है ना, ये जो बी वाला आपको दिख रहा है, ये बी वाला, यही वाला सही है। चलिए आगे चलते हैं। डैश यू ब्रिंग सम कॉफ़ी फॉर मी, तो इसमें वुड लग जाएगा। ये जो आपको डी में दिया हुआ है ये वुड, इसमें इसको आप लगा लीजिए वुड को, ठीक है सर। चलिए बात करते हैं थ्री में, आई फाउंड दिस रिंग वाइल आई डैश इन द गार्डन, तो इसका ए लगा लीजिए आप, इसका ए हो जाएगा, ये जो वाज डिगिंग हो जाएगा, है ना, वाज डिगिंग इन द ग्राउंड। चलिए फोर्थ में, सी सेड द बॉय डिड यू डू दिस, इसको हमको करना क्या है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, हमको इनडायरेक्ट नरेशन लगाना है। और ये क्वेश्चन है, शुरू हुआ डिड यू, तो यहाँ इफ लग जाएगा, द बॉय आस्क्ड, शी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट, तो हो जाएगा शी आस्क्ड द बॉय इफ, शी आस्क्ड द बॉय इफ ही, नो डिड नहीं होगा, शी आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन दैट। ये सी जो है, ये सी वाला इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिफ्थ में, दीज फ्लावर्स स्वीट स्मेल्स, स्मेलिंग वॉज, ना ये हो जाएगा ए, ये पहला वाला हो जाएगा स्मेल, ये हो जाएगा स्मेल, स्मेल स्वीट। सिक्स में बात करते हैं हम लोग, सिक्स बोल रहा है ही वॉज आउट ऑन पैरोल, पैरोल पैरोल बोल हम लोग बोलते हैं दोस्तों, जब कोई किसी कैदी को कुछ समय के लिए किसी शर्त पर रिहा किया जाता है उसको हम लोग पैरोल बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर दिखा हुआ यहाँ, कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर, कैदी का एक शर्तिया ना रिहाई, ठीक है ना, यही हो गया आपका उसका आपका पैरोल। सेवन्थ में बात करते हैं हम लोग, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द पॉजिटिवनेस ऑफन डील्स लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स, पॉजिटिवनेस और पॉजिटिवनेस एंड पॉजिटिवनेस, देखिए पॉजिटिवनेस से आगे आर्टिकल लगा हुआ, तो आप आर्टिकल बिल्कुल मत लगाइए। तो ये जो बी वाला आपको दिख रहा है, ये बी वाला, ये आप ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आठ में, आठ की बात करते हैं हम लोग, आठ बोल रहा है दे आर प्रीटी दे आर इंटेलिजेंट, वो प्रीटी है, खूबसूरत है, सुंदर है, और वो दोनों वो इंटेलिजेंट हैं, तो इसको कंबाइन करना है, तो इसको एंड से भी कंबाइन कर सकते हैं या फिर एज वेल एज से कंबाइन कर सकते हैं। देखिए कौन सा लिखा हुआ, दे आर प्रीटी बट नहीं होगा, दे आर प्रीटी एज वेल एज, हाँ यही सही है, यही बी वाला, ये बी वाला सही है, ये सही है, ठीक है। चलिए नाइन्थ में, सुमित इज हार्ड नट टू क्रैक, इसका नट हो जाएगा, कुछ सोचने की बात नहीं है। टेंथ में बात करते हैं, ही ड्रॉव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, तो टू कौन सा है इसमें, सी, ये सी वाला आप देख लीजिए, ये सी, यही हो जाएगा यहाँ सी। एलेवेंथ में देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एग्जैजरेट 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 एग्जैजरेट, ये जो सी में आपको दिख रहा है ई एक्स ए डबल जी ई आर ए टी, यही एग्जैजरेट, ये वाला जो है यही सही है। हम लोग चलते हैं आगे अब।
बारे में बात करते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिनाई। डिनाई मैंने होता है इनकार करना, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थक, या इसको हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, सेम मीनिंग वाला। तो डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज करना, रिफ्यूज। ये जो आपको सी में दिख रहा है ना रिफ्यूज़, यही इसका हो जाएगा समानार्थक शब्द। चलिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। कहता है कि वो इंसान जो फूलों का व्यापार करता है, फूलों को बेचता है, फूलों को काटता है, फूलों को खरीदता है, उसको हम बोलते हैं सर फ्लोरिस्ट। ये जो शुरू शुरू में आपका दिया हुआ ए में, फ्लोरिस्ट बोलते हैं हम लोग उसको। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं 14 में, इधर माई शूज़ और कोट ऑलवेज ऑन द फ्लोर। आप याद रखिएगा, जब भी ये जो यहाँ सिस्टम है इधर आ जाए, तो इधर जब भी आएगा तो ये और के बाद और के बाद, ये जो आपको और दिख रहा है, ये और के बाद, ये जो और के बाद जो कोट है, इसी के हिसाब से हम लोग वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि ये जो योर कोट है, योर कोट है वो एक सिंगुलर है, ये है ना, तो ये हम लोग आर नहीं लगाएंगे, हैज़ नहीं, हैव नहीं, तो हम लोग लगाएंगे ये कि बी लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, द गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये बोलता है इसका क्या निकालना है हमको इसका चाहिए एंटोनिम। एंटोनिम मतलब उल्टे मीनिंग वाला, इंटेलिजेंट का उल्टा होता है डल, ये सी वाला। ठीक है, चलिए, मोहन सेड टू श्याम गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है, तो मोहन सेड टू श्याम, तो मोहन विज्ड श्याम गुड मॉर्निंग, है ना, तो मोहन विज्ड श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये जो है बिल्कुल ये ए सही है। मोहन आस्क नहीं होगा, मोहन टोल्ड श्याम नहीं होगा, मोहन विज्ड श्याम, ये भी ये तो सेम है, ये उत्तरी मोहन विज श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज, ये दोनों सेम है, डी और ए एकदम सेम है, हूबहू सेम है, तो यही इसका आंसर होगा। हालांकि इसको सेम नहीं देना था, अलग अलग देना था, चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों में से एक इसका आंसर हो जाएगा। 17 देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेमिनार, सामिनार ना, तो ये एस ई एस ई एम आई एन, ये हो जाएगा एस ई एम आई एन आर। 17 में जो हमको जो बी वाला दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, शी इज़ नॉट अ पॉपुलर सिंगर, ए हो जाएगा इसमें, ये जो आपको शुरू में ए दिया हुआ है जो आर्टिकल है, यही हो जाएगा। चलिए भाई, 19 में बात करते हैं, वन ऑफ द बॉयज़ है ना वाज सेलेक्टेड, क्यों, चूँकि बॉयज़ में से एक लड़का, तो इसका हो जाएगा ये पहला वाला जो आंसर है, ये वाज हो जाएगा, ये वाज हो जाएगा। ठीक है सर, 20 में बात करते, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन राणा रीटा, एकदम सही है, यही सही है, कहीं नहीं जाना है, यही वाला जो है ना, ये सही है। सुगंधा इज़ फार नहीं होगा, मच इंटेलिजेंट नहीं होगा, इज फ्रॉम रीटा नहीं होगा, चूँकि जब भी मोर लगता है उसका देन लगता है, तो ये वाला 20 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 21 में बात करते हैं हम लोग, बीवर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, अब यार अलोंग विद के साथ, एट वंस अचानक, अबव ऑल सबसे पहले, सबसे ऊपर, ऑल अलोंग सबके साथ, तो यहाँ अबव ऑल तो नहीं होना चाहिए, ऑल अलोंग एट वंस, तो मुझे लगता है अलोंग विद, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सुटेबल है, बाकी आप देख लीजिए कौन सा है आपको जोन सा लगे, आप ना कर दीजिए। 22 आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन, तो यहाँ वैन लग जाएगा, इसमें कुछ सोचना वोचना है नहीं, ये वैन आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। चलिए बात करते हैं हम लोग 23 में, वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो शुड कैन में सर हम लोग शुड लगा देंगे, चूँकि ये शुड है ना, ये नैतिकता को भी दिखाता है, तो ये शुड लग जाएगा। चलिए 24 के बारे में बात करते हैं, हैज़ द रिपोर्ट बिन फाइनल फिनिश्ड बाय यू, तो हैज़ द रिपोर्ट बिन फिनिश्ड बाय यू, तो हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, इसका हो जाएगा हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, ये जो डी वाला है, ये डी वाला पार्ट, ये जो डी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, शी इज़ केयरफुल है ना अबाउट ऑफ एट बाई, तो सर ये अबाउट लगा लीजिए आप, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अबाउट, इसको लगा लीजिए, यही आंसर सही है इसका। 26 दे विल हैव ए पार्टी इन विच ऑल ऑफ फ्रेंड्स आर इन्वाइटेड, तो दे विल हैव अ पार्टी इन विच ऑल ऑफ देयर फ्रेंड्स, देयर, हाँ, तो ये हो जाएगा THEIR देयर, ये वाला है ना, पजेसिव प्रोनाउन है। चलिए आगे चलिए, 27 दोज आर प्रोबेबली द कर्टेंस इन द स्टोर, कर्टेन मैंने पर्दे, तो कहता है कि दुकान में शायद ये सबसे अच्छे फैंसी वाले पर्दे, तो फैंसीएस्ट हो जाएगा, बिकॉज द लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, तो ये हो जाएगा फैंसीएस्ट स्टोर, तो फैंसीएस्ट में कौन सा वाला हो जाएगा सर, ये वाला फैंसीएस्ट, स्पेलिंग इसी की सही है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 28, ट्राई टू डू इट विदाउट टू मच नॉइज, विदाउट मेकिंग टू मच नॉइज, तो इसमें आप मेकिंग लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, फेट स्माइल्स दोज हु क्रैपल विद रियलिटीज ऑफ लाइफ, किस्मत भी उसी के साथ होता है, उसी पर मुस्कुराता है जो ज़िंदगी की, जीवन के जो रियलिटीज़ हैं, सच्चाइयाँ हैं, है ना, उनको ग्रैपल कर लेता है, बिल्कुल जकड़ लेता है, उनको अपने हाथ में कर लेता है। तो इसमें स्माइल्स के बाद क्या, विद नहीं, ऑन ओवर राउंड, तो सर इसमें आप लगा लीजिए स्माइल ऑन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 30 में, इट वॉन्ट बी हार्ड टू कन्विंस हर, का तक खाली जगह भरी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये टेल्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्वेश्चन टैग भी बोलते हैं। तो इधर इसका नेगेटिव है, तो इधर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, वॉन्ट वो इट वॉन्ट, तो विल इट, तो डेफिनेटली हो जाएगा ये विल इट, ये जो विल इट है ये वाला हो जाएगा। चलिए 31 में बात करते हैं, यू मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ़ यू कीप एक्सरसाइजिंग, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप अच्छा हेल्थ को मेंटेन करेंगे, तो आप उसमें सक्षम हैं अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो। आप इसमें हम लोग लगा देते हैं कैन, एकदम यही होगा सही, दूसरा कुछ होने वाला है नहीं। 32, माय फ्रेंड राइट्स नॉवेल्स, इसका हमको नेगेटिव सेंटेंस हमको ढूंढना है, तो माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, तो कौन सा वाला है, माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, नहीं तो ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये जो ए दिख रहा है आपको, माय फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। 33, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू कोविड-19, इसके बाद टू ही लगता है, कोई दूसरा लगने वाला नहीं है। चलिए सर, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, ही इज़ एन NCC ऑफिसर, सही है, दिवाली इज़ अ हैप्पी फेस्टिवल, सही है, माउंट एवरेस्ट इज़ द बिगेस्ट पीक, इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये भी सही है, डू यू लाइक द क्रिकेट, द क्रिकेट आ गया, इसलिए द क्रिकेट, द कौन सा क्रिकेट होता है, तो यही वाला ये रॉन्ग है इसमें, डू यू लाइक क्रिकेट होना चाहिए था, डू यू लाइक द क्रिकेट लगा करके इसने, ये जो इसने आर्टिकल लगा दिया इसको, इसने ये, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं 35, आई अ बुक व्हेन ही केम, जब वो आया था तो मैं क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था, तो वॉज रीडिंग हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना आप, ये सेकेंड वाला जो है आपको बी वाला ये लगा दीजिए, वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। चलिए 36 के बारे में बात करते, चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, मेडिसिन medicine, तो ये वाला सर, ये डी वाला जो है, यही वाला इसका आंसर सही है, डी वाला है ना, मेडिसिन, ठीक है। चलिए जी आगे आप हम लोग बात करते, क्वेश्चन फ्रॉम 37 to 60 आर बेस्ड ऑन क्या, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, आपको रेनबो 2 से पूछा गया क्वेश्चन से, देखिए आप फटाफट आंसर दीजिए, रेनबो 2 का आपने पढ़ा हुआ है। 37 बोल रहा है, वी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, इट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, सर ये कहाँ से लिया गया, बिल्कुल पहले चैप्टर से जिसको गांधी जी ने लिखा था, कौन सा वाला आपको याद है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक। चलिए, नानू काका लव टू स्पीक इन डैश व्हेन ही वाज अनेबल टू एक्सप्रेस समथिंग इन हिंदी और इंग्लिश, जब वो अंग्रेजी और हिंदी में नानू काका बोल नहीं पाता था तो फटाफट किसी में वो है ना, बिल्कुल बिदरी करता था, बकबक करता था, या फिर बोलता जाता था, वो सर बोलता था क्या, मराठी, ये मराठी, ठीक है। चलिए, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर विद ईच अदर, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर विद ईच अदर, मोर जेलस, मोर सैड, मोर कॉम्पिटिटिव, मोर फ्रेंडली, तो आप इसमें लगा दीजिए सर मोर फ्रेंडली, ये फ्रेंडली हो जाएगा टू ईच अदर, ठीक है, यही होगा। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं 40 में, बर्टन रसल वॉज फ्रॉम ब्रिटन, बर्टन रसल जो जिनने क्या लिखा था, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वो कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। चलिए आगे चलते हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विद एम्बिशन कंसीट ह्यूमिलिटी सेल्फिशनेस, सर ये ह्यूमिलिटी है, दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए 42, डैश वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, कौन, उसका माथा ख़राब था, किसका, बेंजी का, ये बेंजी है ना जो अर्थ से लिया गया है, जिसको एच ई बेट्स ने लिखा है, बेंजी तो अपने माँ बाप को नहीं देख रहा था ना, जब उसको ज़मीन उसके नाम से कर दिया था। चलिए भाई साहब आगे चलते हैं, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, इज़ फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, डेफिनेटली आर्टिस्ट से नहीं है, चाइल्ड बॉर्न से नहीं है, मैरिज प्रपोजल से नहीं है, ये है आपका आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो दिया था,
ठीक है. 44, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड टू सच हैप्पीनेस, कंपटीशन, सैडनेस, ब्रूटैलिटी. है ना, चाइल्ड इज बोर्न, जर्मनी ग्रे ने जो लिखा था, ब्रूटैलिटी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. 45, विदाउट ए फ्री डैश कैन बी नो फ्री पीपल. प्रेस, माइंड वाइंड कुछ नहीं है, प्रेस, ये आपका प्रेस लगा लीजिए, इसका आंसर प्रेस हो जाएगा. ठीक है, 45 का ए आंसर हो जाएगा, विदाउट अ फ्री प्रेस देर कैन बी नो फ्री पीपल. चलिए 46, बेंजी अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस. बेंजी किसका बिजनेस करता था, मुर्गियों का करता था, हैंस हो जाएगा. चलिए 47, द पोएट वेटेड फॉर द स्नैक बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, ही हैड कम आफ्टर द स्नैक, ही वॉन्टेड टू किल इट, ही वॉन्टेड टू सी इट्स होल. तो पोएट ने वेट किया था क्यों, चूंकि ही हैड कम आफ्टर द स्नैक, वो जो है स्नैक पहले गया था पानी पीने के लिए और ये बाद में गए थे पोएट, इसलिए. तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ही हैड कम आफ्टर द स्नैक. ठीक है ना. चलिए 48, दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड. ये हो जाएगा बी पार्टेड, पोएम से लिया गया है. चलिए भाई 49, अ पल्स इन द एटर्नल माइंड नो लेस. ये कहाँ से लिया गया है, एकदम कुछ नहीं आपको, ये सोल्जर से लिया गया है जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था. दूसरा बात, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. मैकेविटी इज ऑन द सीन ऑफ क्राइम. मैकेविटी ऑलवेज, नेवर, ओरिजिनली, ट्वाइस, कभी नहीं. मैकेविटी जब भी कोई क्राइम होता था, सीन होता था, मैकेविटी भाग जाता था. तो ये हो जाएगा इसका नेवर, वो कभी भी, मैकेविटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं. 51 में, द घाट इज लिटर्ड विथ, वही ये लिया गया है फायर हिम से, जिसको लिखा है के एन दारूवाला ने. वहाँ का था आधे 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 जो है ना जले हुए बॉडियाँ वहाँ है ना, जिस्म परे थे, बॉडीज परे थे. तो ये हो जाएगा हाफ बर्न बॉडीज घाट पर. What does the lady lie? Where does the lady lie? वो जो लेडी थी खूबसूरत, वो कहाँ लेटी थी? डेफिनेटली ग्रेवयार्ड में लेटी थी, अपने कबर में. हमने एपिटाफ में पढ़ा हुआ, वाल्टर डिलामेन ने जो लिखा था पोएम. चलिए हम लोग बात करते हैं आगे. हु रोट द वेस्ट एंड फोर क्वार्टेट्स. आप याद रखिएगा सर, ये वेस्ट एंड और फोर क्वार्टेट्स का लिखने वाला कौन है, ये कोई नहीं है बल्कि ये हैं टी एस एलियट साहब. ठीक है, चलिए. वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस. ये पोएम से लिया गया है सर, ये बात कर रहा है ट्रेवलर्स के बारे में. ठीक है, चलिए ट्रेवलर्स हो जाएगा. 55, लिव विद हर ग्रैंड मदर. कौन ग्रैंड मदर, किसने लिखा था? कमला दास ने, ये वाला सी. इसमें कुछ सोचना वोचना नहीं है. द 17th सेंचुरी एज इज एन एज ऑफ रोमांटिसिज्म. ये चुपचाप आपको रोमांटिसिज्म भर देना है, कुछ नहीं करना है. हु रोट द वर्स लाइन, द एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन. इंसान गलती करना इंसान का इंसान के नेचर में है और माफ़ करना भगवान के. तो ये लिखा था एलेक्जेंडर पोप ने, आप इसको याद रखिएगा. ठीक है, हु रोट गीतांजलि. सर सब जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था. क्या गीतांजलि लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? कुछ सोचना वोचना इसमें सोचने वोचने की बात नहीं है. ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 59 के बारे में. द इंडियन इंग्लिश पोएट्री स्टार्टेड इन. ये इंडियन पोएट्री जो पहली बार भारत में हमारा स्टार्ट हुआ था, ये 18 something 22 में हुआ था. मेरे ख्याल से ये 19th सेंचुरी 1822 या समथिंग में हुआ था. तो 1800 का मतलब हुआ कि 19th सेंचुरी मतलब हो गया ना, तो ये 19th सेंचुरी हो जाएगा. ये जो सी वाला जो आपका आंसर है, ये 19th सेंचुरी आप इसको रख लीजिए, हो जाएगा. चलिए ठीक है. 60, स्कॉलर्स आर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स. ये ब्रिटिश स्कॉलर्स को हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते थे. कौन किसको? ब्रिटिश स्कॉलर्स को. ठीक है सर, चलिए. किरण डील्स सुगर विद एट इन बाय. डील इन का मतलब होता है व्यापार करना. तो ये आप यहाँ इन लगा दीजिए चुपचाप, ये सी. तो किरण जो है वो सुगर का व्यापार करती है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. द ट्रेन वेंट बाई, इट डिड नॉट स्टॉप. इसको करेक्ट कॉम्बिनेशन करना है. ट्रेन चली गई और वो रुकी नहीं. द ट्रेन वेंट बाई वाइल नहीं, द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉप. ये सही है, बिल्कुल बी सही है इसका. इसका जो है बी सही है, ये जो बी है यही सही है. द ट्रेन वेंट बाई विदाउट स्टॉपिंग. ठीक है सर, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं. 63 में, ही डैश अराइव टुमोरो. टुमोरो माने कल, मतलब आने वाला, मतलब फ्यूचर, मतलब हैड, शैल, हैज़ नी. ही के साथ विल ही लगता है, तो हम लोग यहाँ विल लगा देते हैं. ये विल हो जाएगा आपका आंसर. 64 में, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड. मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा कि तुम मेहनत ज़्यादा करो. मैंने एडवाइस किया, आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड. बिल्कुल पहला वाला सही है. दूसरा,
कहीं आपको जाना है नहीं। पहला, आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, ठीक है सर। चलिए 65 के बारे में, ही इज़ कैपेबल ऑफ, कैपेबल के बाद हमेशा ऑफ लगता है, कुछ सोचना आपको है नहीं, कैपेबल के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है, ये जो ऑफ आपको दिख रहा है, ठीक है। ही अ पोएम नाउ, अभी वो क्या कर रहा है, हाँ तो ही इज़ रीडिंग, तो ये चूंकि कंटिन्यूस है तो ये इज़ रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। 67, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, वी मस्ट रिज्यूम आवर वर्क, रिज्यूमिंग आवर वर्क शुड बी रिज्यूमिंग शुड, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल पहला वाला सही है ना, इसमें कुछ करना वरना है नहीं आपको, यही वाला आपको करेक्ट है। 60, ही स्टॉप्ड वर्कड हैड वर्क विल वर्क वर्किंग, स्टॉप्ड वर्किंग ना उसने काम करना रोक दिया, स्टॉप्ड वर्किंग, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ही वॉज स्ट्रक विद एन एरो, एन एरो, एन कहाँ है, ये सी में है, आप एक बार देख लीजिए, ये एन एरो यहाँ पर सी में है, ये तो ये इसका आंसर हो जाएगा एन एरो, ठीक है सर। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, बैगेज, बैगेज, बी ए डबल जी ए जी, ये आपका ये आंसर है इसका, बैगेज का जो आंसर है ये वाला डी वाला हो जाएगा इसका, बी ए डबल जी ए जी, बैगेज मैंने सामान है ना, जहाँ हम किसी बैग बैगेज लेके जाते हैं। आई डिड नॉट किल द डॉग, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, द डॉग आई डिड नॉट किल्ड, द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाई मी, द डॉग वॉज नॉट किल्ड, द डॉग इज नॉट, द वॉज नॉट किल्ड बाई मी, द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाई मी, ये जो बी वाला है, ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ये बी, द डॉग वॉज नॉट किल्ड बाई मी। चलिए बात है, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इज, जहाँ चिड़ियों को रखा जाता है इनक्लोजर में, उसको बोलते हैं एवियरी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग अवेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवेरी, ये सी वाला, ये ठीक है ना। चलिए चलिए हो गया, अब 73 में, 73, द सिनोनिम ऑफ काइंड, काइंड का पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम एक जैसा समानार्थक, तो काइंड मने होता दयावान, दयालु, सॉफ्ट मने नरम, करेल मने बेरहम, प्रीटी मने सुंदर, तो ह्यूमन मने होता है क्या, ह्यूमन मने होता है दयावान, ठीक है ना, तो यही होगा इसका आंसर। 674 में बात करते हैं हम लोग, अ हाउस हैज़ बीन बॉट बाय हिम, तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, एक घर उसके द्वारा खरीदा गया है, तो उसने एक घर खरीदा है, तो ही हैज़ बॉट ए हाउस, ही हैज़ बॉट ए हाउस, ये जो बी वाला है यही इसका आंसर हो जाएगा, ये जो बी है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए 75, द एंटोनिम ऑफ बोरो, बोरो का विपरीतार्थक शब्द, मतलब उल्टा शब्द, बोरो मने होता है कर्जा लेना, लेंड मने होता है कर्जा देना, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना सी में, ये होगा लेंड, लेंड मने होता है कर्जा देना, ठीक है ना। चलिए, मनोज इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, सर प्राउड के बाद आपको पता ही कि ऑफ ऑफ लगता है, तो प्राउड में आप चुपचाप क्या करिए, ऑफ लगा दीजिए, कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। 77, ही डैश टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, हाँ यहाँ बात आती है कि वो 10 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा हैज़ बीन, ही हैज़ बीन टीचिंग, ये हैज़ बीन हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए बात, हम लोग आगे चलते हैं, चूज़ द ओड वर्ड, ओड बने होता है बिल्कुल जो अजीब सा वर्ड हो, तो चारों में अजीब कौन है, ग्राम, चना, राइस, चावल, वीट, गेहूं, तीनों क्या है, अनाज है, लेकिन मिल्क क्या है, ये लिक्विड है, वो सब सॉलिड है, तो यही एक ऑड सा वर्ड है, इसके झुंड में नहीं आता है, ये लिक्विड है, ठीक है। चलिए 79, समटाइम्स इट हैविली रेन्स, रेनिंग, रेन, हैज रेन, नहीं सर बिल्कुल ये हो जाएगा रेन्स, मतलब सिंपल प्रेजेंट, मतलब ये रेन्स हो जाएगा, समटाइम्स इट रेन्स हैविली, काफ़ी ज़रूर की वर्षा होती है कभी कभी। 80 में आइए सर, मम्प्स इज अ डेंजरस, सर कुछ नहीं है, मम्प्स एक डिजीज़ का नाम है जो कि स्लाइवा में होता है, स्लाइवा मैंने थूक, थूक मैंने है ना, जो हमारा थूक होता है, स्लाइवा जो होता है मुँह में, उसी से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मम्स, तो हो जाएगा ये डिजीज़ है, क्या है, एक बीमारी है। चलिए 81, ही लिव्स इन अ हाउस सोल स्मॉल क्वालिटी ह्यूमन, क्यों करना है, तो आपको पता है स्मॉल हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, कुछ नहीं करना, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 82 में हम लोग बात करते हैं, शी इंसिस्ट्स लिविंग इमिडिएटली ऑन, फॉर, बाय, विद, ऑन हो जाएगा सर, कुछ नहीं करना, इसका जो पहला जो ये है ए, यही हो जाएगा ऑन, ठीक है। चलो यू हैव टू, 83, यू हैव टू इट एक्सेप्ट अल्टर एक्सेप्ट एफेक्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट इट, ये पहला वाला, ए डबल सी ई पी टी,
तुमको मानना पड़ेगा, तुमको कबूल करना पड़ेगा, तुमको मंजूर करना पड़ेगा, तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। चलो 84, डू नॉट वॉक, ब्रेड बटर है ना, रोजी रोटी बाय एंड बाय है ना, हेड टू हैंड, नहीं नहीं नहीं, इधर दिधर, इधर दिधर मैंने यहाँ वहाँ, कहता है कि तुम डू नॉट वॉक, इधर उधर मत चला करो। चलिए सर ये काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ आ गया बात 85 से 100 तक प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, वही रेनबो से आपको पूछा जा रहा है, तो आपको, आप तो रेनबो के मास्टर हैं। देखिए फटाफट, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कम्फर्ट इज नेसेसरी इज फ्रॉम, सर ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया हुआ है, ये वाला से, ठीक है। चलो, इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज इज, इंडिया टू ट्रेवलर साइज लिखा था पर्ल एस बक ने, जो इंडिया आई थी और इंडिया आकर के उनने एक पर्सनल अकाउंट, इसका पर्सनल अकाउंट है ये ना तो शॉर्ट स्टोरी है, ना ही कोई नॉवल का सेप्ट है, ना ही कोई पॉलिटिकल स्टोरी है, तो हम इसको एक तरह का ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे आप कह सकते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है, चूँकि उसका एक पर्सनल अकाउंट था, पर्सनली उसने अपनी डायरी में लिखा था। चलिए 87, द नेग्रो स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ इन एग्जाइल, नेग्रो जो काले लोग हैं वो अपने आप को खुद से अभी खुद को बनवास में महसूस करते हैं, कहाँ, इन अदर पीपल्स लैंड, दूसरे लोगों के देश में, कनाडा में, अपने ही धरती पर, अपने ही देश में, ऑस्ट्रेलिया में, तो अपने ही देश में इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका इन ऑन लैंड, ठीक है सर। चलिए, आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज, कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एटीट्यूड है, धारणा है दूसरों के प्रति, जो हमारे झुंड से बाहर है, हर्ड मने झुंड, उस कैसा होता है सर, जो भी हमारे झुंड से बाहर होता है हम उसको हॉस्टाइल कहते हैं, हमारा दुश्मन है वो, फ्रेंडली नहीं है, फेवरेबल नहीं है, वार्म भी नहीं है ना, हॉस्टाइल है, ठीक है। इंडियाज़ ग्लोरी इज़ दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेंड इमूवेबल, इमूवेबल हो जाएगा, इमूवेबल, हमने इसको पढ़ा हुआ है। चलिए आगे, नानू काका वॉज द नरेटर ऑफ, सॉरी नरेटर्स, वो जो ऑथर था, ऑथर का नानू काका कौन था, उसके मम्मी का भाई था, मतलब उसका मामा था, मतलब मैटरनल अंकल था, क्या था, मैटरनल अंकल, ये वाला मैटरनल अंकल, ठीक है। चलिए जी, हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन द इन ऑल ह्यूमन बींग्स, किसने कहा था सर, ये कहा था वाल्ट विटमन ने, उसका पोएम जब आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है एटम ऑफ है ना ब्लड के बारे में, वाल्ट विटमन, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। किट्स इज ए रोमांटिक पोएट, कहीं नहीं जाना सर, ये रोमांटिक पोएट है किट्स, है ना। चलिए, इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम इन द मेमोरी ऑफ डेड, जब आदमी मर जाता था जाता है तो उसकी याद में उसकी कबर पर एक तख्ती लगाई जाती है, उस तख्ती को हम लोग बोलते हैं एपिटाफ, क्या बोलते हैं, एपिटाफ, एन एपिटाफ, ठीक है। चलिए, द सोल्जर बिलोंग टू, वो जो सोल्जर था जिसको रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था, वो जो पोएम था, वो जो सोल्जर कहाँ का लिया गया था, ब्रिटेन का लिया गया था, मतलब इंग्लैंड का था वो। चलिए, हु रोट फायर हिम, सर अभी तो बोला था केकेएन दारूवाला ने लिखा था फायर हिम, केकेएन दारूवाला ये रहा, ठीक है ना। चलिए सर, अब हम बात करते हैं आगे 96, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, जिस तरह से कि चौपाई करते हैं उसी तरह से उसने अपना जो हेड है उसने पानी पीने से उठाया। तो ये ऑथर बोल रहा है किसके बारे में बोल रहा है, सांप के बारे में बोल रहा है, तो ये लिया कहाँ से गया है, स्नैक से लिया गया है, इसको कि डी एच लॉरेंस ने लिखा है, ठीक है सर। चलिए 97, इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश, 1500 ईस्वी के बाद जो भी यूज़ हुआ है सर उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न इंग्लिश, ये आपका मॉडर्न इंग्लिश, क्लियर है। द ग्रेट बबल शिफ्ट टुक प्लेस, ये हुआ था मिडिल इंग्लिश में सर, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ये मिडिल इंग्लिश ध्यान रखिएगा, इसी में हुआ था ग्रेट बबल शिफ्ट। चलिए, हु रोड द लोटस, सरोजनी नायडू, तोरू दत्ता, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये लिखा था द लोटस, लोटस लिखा था तोरू दत्ता ने, ठीक है ना। चलिए, 100 एंड लास्ट फाइनल, न्यू वराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, सर कुछ नहीं करना, इसको बोलते न्यू इंग्लिश, ये आपका न्यू इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए, आपका 100 क्वेश्चंस हो गया, आपको 50 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, सोच समझ के, जो आपको फुल्ली पूरी तरह से आता होगा आपको वही आंसर दीजिएगा। ये हमारा था कौन सा सेक्शन था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन था, अब ये हमारा सब्जेक्टिव सेक्शन यहाँ भी है, इसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले हम लोग उसको पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इधर आएंगे। तो चलिए, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और जो बच्चे हैं उसको फ़ायदा मिल सके, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी
कीजिएगा, चूँकि इस तरह के सारे ट्वेल्थ क्लास के सारे कंटेंट हम इसमें लेकर के आते रहते हैं और आए हुए हैं। आप इसमें देख सकते हैं, जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ब्लू पेन ब्लू मार्कर को, ठीक है दोस्तों। और आगे भी हम आपके लिए इस तरह के जो हम कोशिश करते रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल बढ़िया से आप तैयारी कीजिएगा। टाइम बहुत कम है, रिविज़न बहुत बहुत करना बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस अपने लूज होने मत दीजिएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।